दीपास किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बनाएं मूंग दाल के स्वादिष्ट क्रिस्पी पकौड़े। मूंग की दाल की पकौड़ी बनाने के लिए हमने आधा कप छिलके वाली मूंग की दाल ली है। इसको हमने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और उसके बाद इसको धो के इसका छिलका निकाल दिया है। और ये लिए मेरे धुली मूंग की दाल आधा कप, दोनों दाल आधा आधा कप है। दोनों को हम मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। एक मीडियम साइज़ का आलू है, इसको टुकड़ों में मैंने काट लिया है। और इधर हमने लिया है 3 बड़े चम्मच पोहा, जिसको हमने दरदरा पीस लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसको बारीक काट लिया है। 1/4 टीस्पून इसमें है भुना हुआ जीरा, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 हरी मिर्च और 1 टुकड़ा अदरक को मैंने दरदरा पीस लिया है। 1 टीस्पून नमक लिया है, ये आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा नींबू लेंगे और धनिया की पत्ती आधा कप और 1 पिंच हींग। हमने धुली हुई मूंग की दाल को भी 2 घंटे पहले भिगोया था। अब दोनों दालों को मिला के थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। इसमें पानी नहीं मिलाना है। हमने दोनों दालों को मिलाकर दरदरा पीस लिया है। इसमें मिलाएंगे 1 पिंच हींग, प्याज मिला देंगे, बारीक कटे हुए आलू मिला देंगे हम, इसका पानी निकाल देंगे। पोहा को जो मैंने दरदरा पीसा वो मिला देंगे। हरी मिर्च और अदरक दरदरा पीसा हुआ इसको मिला देंगे। हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा, अजवाइन, लाल मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार बढ़ा सकते हैं, गरम मसाला, नमक नींबू को हम निचोड़ लेंगे। और इसमें मिला देंगे हम धनिया की पत्ती। और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, करीब 1.5 चम्मच 2 चम्मच। आप खाली धुली मूंग की बना दाल का बना सकते हैं पकौड़ी, और खाली छिलके वाले का भी पकौड़ी बना सकते हैं। दोनों की पकौड़ियाँ बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। और आप नींबू की जगह पे आप चाट मसाला भी ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी और ले लेंगे हम। पोहा डालने से पकौड़ियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इससे पकौड़ियाँ और क्रिस्पी बनेंगी और पोहा भी थोड़ा फूल जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं। और इधर हमने कढ़ाई में तेल भी रख दिया गर्म होने के लिए। और इसमें हम डालेंगे पकौड़ियों को। जितने बड़े साइज का आपको बनाना हो उतना बड़ा साइज में आप डालिए। यहाँ पे आप गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दीजिए। अब 3 मिनट बाद इसको हम थोड़ा परख लेते हैं। पकौड़ी को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से। पकौड़ियों को हमने मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। बहुत ही क्रिस्पी पकौड़ी बने हैं देखिए। अब इनको हम एक पेपर नैपकिन पर निकाल लेते हैं।
इसी तरह हम और पकौड़े को फ्राई कर लेंगे। मूंग दाल के क्रिस्पी पकौड़े बनके तैयार हैं। इसे आप चटनी या सॉस के साथ खाइए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।